दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कोई भी गाड़ी में चार्जिंग करने के लिए चार्जर होता है, इसको आरआर यूनिट भी कहते हैं, रेगुलेटर भी कहते हैं। जिसे अपने बाइक में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो चीज़ है इसे चार्जर कहते हैं। ये क्या करता है, बैटरी को चार्ज करता है, बैटरी को, ये बैटरी है, बैटरी को चार्ज करता है। ये चार्जर भी कहते हैं, रेगुलेटर भी कहते हैं और आरआर यूनिट, ये नाम से भी इसे पहचानना चाहता है। तो एक्चुअली क्या होता है, इसका मैंने अभी सॉकेट निकाल दिया। तो सॉकेट में आप देख सकते हैं चार प्रकार की लाइन है, रेड कलर है, वाइट कलर है, येलो है और येलो ग्रीन कलर है। चार कलर की वायरिंग होती है। ये जो वाइट कलर है, उसके बाद रेड कलर, येलो और ग्रीन कलर, ये आपको देख सकते हैं। तो दोस्तों, जब हम लोग क्या करते हैं, ये बाजू मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, जब भी हम लोग किक मारते हैं, ये किक मारते तो उस तरफ सरफ क्या होता है, दोस्तों जब हम लोग किक मारते हैं तो इस तरफ क्या होता है, ये बाजू आर्मेचर होता है, इंजन के अंदर आर्मेचर। ये आर्मेचर क्या करता है, किक मारने के वजह से क्या होता है, एसी करंट प्रोड्यूस करता है, एसी करंट निर्माण करता है, एसी करंट। तो एसी करंट अभी यहाँ पर चला गया। दोस्तों, ये जो मैंने बताया, यहाँ पर जो व्हाइट कलर की वायर होती है, व्हाइट कलर, ये जो आर्मेचर कॉइल, जैसे किक मारा, किक मारने के बाद जो आर्मेचर कॉइल है उसमें से एसी करंट, ये व्हाइट कलर में, ये एसी करंट होता है, एसी करंट। अभी रेड वायर कौन सा है, ये रेड वायर बैटरी में चला जाता है, ये रेड वायर होता है बैटरी में चला जाता है। यानी कहने का मतलब है, ये व्हाइट कलर है, ये आर्मेचर कॉइल से इसके अंदर आ गया, यहाँ पे चला जाएगा। उसके बाद ये कॉइल क्या करेगा, ये रेड कॉइल से आउटपुट निकालेगा, आउटपुट रेड कॉइल से कहाँ पर जाएगा, बैटरी में चला जाएगा। ये रेड वायर से बैटरी में चला, बैटरी क्या करेगा, चार्जिंग हो जाएगी। यानी चार्जर भी कहते हैं, बैटरी चार्जिंग होती है, उसके बाद अलग अलग जो भी जगह होते हैं वहाँ पे करंट चला जाता है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ, ये सभी प्रकार का फ्यूज है, ये एक्स्ट्रा फ्यूज है, ये फ्यूज दिया है 10 नंबर 15 नंबर का, ये फ्यूज में भी चला जाता है। ये जो रेड वायर है, इसमें से करंट होता है, फिर से आपको कहना चाहता है, व्हाइट कलर में करंट आ जाता है एसी करंट। ये क्या करता है, डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। जो डीसी करंट होगा, ये रेड वायर में आउटपुट निकलेगा, येलो व्हाइट में आउटपुट निकलेगा। ये जो ग्रीन कलर है, ये अर्थिंग का काम करेगा, ये बॉडी टच होता है, ग्रीन कलर का वायर है, बॉडी टच होता है, अर्थिंग का काम करेगा, ग्राउंड हम लोग कह सकते हैं। यानी कहने का मतलब, ये व्हाइट कलर में करंट आ गया एसी करंट, और ये दोनों वायर है, दोनों तार है, येलो और रेड कलर, इसमें से आउटपुट निकल के बाहर आएगा, आउटपुट, ये आउटपुट निकालेगा। जो रेड कलर की तार है वो बैटरी में चली जाती है, बैटरी से डायरेक्ट यहाँ से फिर जो हम लोगों का जो सेल से हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर आ जाता है, ऐसे भी बहुत है। यानी आउटपुट है, ये आउटपुट। उसके बाद ये जो येलो कलर की तार है, इसका काम है वायरिंग का काम करना। जैसे हम लोग इग्निशन की स्टार्ट करते हैं, इंडिकेटर होता है, जो भी वायरिंग का काम होता है, लाइट का काम, ये येलो कलर है, लाइट के काम के लिए करंट चला जाएगा, आउटपुट यहाँ से निकल के लाइट के काम के लिए जाएगा। ये जो है बैटरी में चला गया, बैटरी चार्ज करने का काम इसमें होगा, सेल भी इससे काम करेगा। ये जो व्हाइट कलर है वो वहाँ से आया और ये दोनों तार से आउटपुट चला गया। ये जो ग्रीन कलर है, ये ग्रीन कलर हम लोग ग्राउंड के हिसाब से काम करते हैं, यानी अर्थिंग का काम करता है, बॉडी टच होता है। इसे मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, इसमें इसे लगा देते हैं। दोस्तों, ये फिटिंग कर दिया, जैसे आपको समझाने की मैंने कोशिश की। दोस्तों, जैसे मैंने बताया, आर्मेचर कॉइल से एसी करंट आ गया तो व्हाइट कलर में आ गया, जो आरआर यूनिट बोलते हैं, रेगुलेटर बोलते हैं, चार्जर, उसमें आ गया। उसमें से बाद में जो बचा हुआ रेड वायर होता है वो बैटरी में चला जाता है, बैटरी में चला जाता है रेड वायर। और जो येलो वायर होता है लाइटिंग के लिए, वायरिंग के लिए, लाइट वाला काम, उसमें चला जाता है। जो ग्रीन कलर का तार होता है वो बॉडी अर्थिंग का काम करता है, यानी जीरो ग्राउंड नंबर का काम करता है। दोस्तों, इस प्रकार की छोटी बात लेकिन बड़े काम की बात है। अगर कभी भी फॉल्ट होएगा, वायरिंग का फॉल्ट आएगा, तो यहाँ पे आया क्या करण, उसको आपको देखना पड़ेगा। उसका मैंने अलग से वीडियो बनाया, वो आप देख सकते हैं। बैटरी चार्ज नहीं होती, फिर भी यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। यानी मेन बात ये चार्जर है, ये मेन बात है, क्योंकि जो आर्मेचर हम लोग किक मारते हैं, जो आर्मेचर से एसी करंट आता है, उसको देखने का तरीका यहाँ पर ही आपको देखना पड़ेगा, सबसे पहले करंट आ रहा है क्या नहीं।
दोस्तों ये छोटी बात है लेकिन बड़ी काम की बात रहती है, बहुत जन को पता नहीं चलते, ये मैकेनिक लोगों को पता चलता है लेकिन आप लोगों को बताने के लिए मैंने ये वीडियो बना दिया, क्योंकि करण नहीं आ रहा था तो मैंने सोचा कर वीडियो ही बना दिया, मैंने गाड़ी को बना दिया। दोस्तों आपने मेरा वीडियो देखा, जय हिंद।